दोस्तों, शब्दों का और बातों का आदमी के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है और कई बार एक शब्द आदमी की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। और इसीलिए शायद हमारे प्रसिद्ध संत कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा था, जिसमें लिखा था, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। यानी कबीरदास जी का कहने का पूरा मतलब जो था कि जो वाणी होती है इंसान की, वो बहुत अमूल्य चीज है, एक रत्न है, और इसको जब भी किसी के सामने हम प्रकट करें या जब भी किसी के सामने बोले, तो बहुत सोच समझ कर हमें बोलना चाहिए। कई बार एक शब्द आदमी का पूरा जीवन तबाह कर देता है और कई बार आदमी के कई शब्द मिलकर पूरे खानदान, पूरे परिवार को ही तबाह कर देते हैं। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब मात्र एक शब्द ने, दोस्तों जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है। भारत की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा का एक जिला पड़ता है गुड़गांव। गुड़ग्राम में ही एक हाई राइज अपार्टमेंट पड़ता है। हाई राइज अपार्टमेंट मीन्स वो लंबी वाले बिल्डिंगे जिसमें एक तल के ऊपर एक तल के ऊपर एक तल, यानी काफ़ी लंबी बिल्डिंगे बनी होती हैं। एक सोसाइटी जिसमें कई लोग किराए के मकान में रहते हैं, तो कई लोग अपना घर खरीद कर रहते हैं। सोसाइटी का नाम होता है विपुल ग्रीन सोसाइटी। विपुल ग्रीन सोसाइटी में ही 7 मार्च 2024 को करीब 10-11 बजे का सुबह का टाइम रहा होगा कि अचानक सोसाइटी के एक फ्लैट से तेजी से बाहर आग निकलना और धुआं निकलना शुरू होता है। जब तक वहां पर उपस्थित गार्ड और वहां पर जो किराएदार या जो मकान मालिक रह रहे थे, वो सोसाइटी में इकट्ठे होकर कुछ समझ पाते, तब तक देखते हैं कि उसी सोसाइटी का फ्लैट नंबर है 104। उस फ्लैट नंबर 104 से काफ़ी तेजी तेजी से आग की लपटें और काफ़ी मात्रा में धुआं बाहर आ रहा है। अब लोगों को तुरंत ये देखते हुए पता चल चुका था कि उस फ्लैट में पूरी तरीके से आग लग चुकी है और आग ने पूरे फ्लैट को अपने आगोश में ले रखा है। अब झटपट से जो सिक्योरिटी गार्ड थे और वहाँ पर जो लोग रहने वाले थे, वो लोग पहले तो आग पे काबू पाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जब कुछ देर बाद उन्हें लगता है कि आग बहुत विकराल रूप ले चुकी है और घर के काफ़ी सारे सामान को पकड़ चुकी है, तो वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जाता है। अब कुछ देर बाद ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम इस सोसाइटी विपुल ग्रीन में पहुंच जाती है और फ्लैट नंबर 104 के आग पर बाकायदा काबू पाया जाता है। अब जब फायर ब्रिगेड के कर्मी इस फ्लैट के अंदर घुसते हैं, तो देखते हैं कि काफ़ी सारा सामान जो घर में रखा हुआ था, आग के चपेट में आने के कारण खाक हो चुका है और घर में कोई है नहीं। लेकिन जब घर के एक कमरे में पुलिस की टीम और वहां पर रहने वाले लोग घुसते हैं, तो देखते हैं कि घर की मालकिन, जिनकी उम्र करीब 59 साल है और उनका नाम रानू शाह है, रानू शाह उसी कमरे में काफ़ी तेज़ी तेज़ी से करा रही हैं, चिल्ला रही हैं। अब वो लोग आग से बचते हुए सीधा रानू शाह को बाहर निकालते हैं। अब जब बाहर निकालकर उन्हें फर्श पे ही लेटाया जाता है, तो पुलिस वाले देखते हैं कि उनके सर से, उनके पैर से और उनके पेट से, यानी कि शरीर के कई हिस्सों से लगातार तेजी से खून बह रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उन पर किसी ने किसी धारदार हथियार से वार किया हो। अब आनन फानन में पुलिस अपनी बैन से ही उन्हें, वहाँ एक हॉस्पिटल पड़ता है गुड़गांव में उसी सोसाइटी के नज़दीक, मेदांता हॉस्पिटल, उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। और मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है, तो वो बताती हैं कि दरअसल ये आग हमारे घर में लगी नहीं थी, ये आग मेरे घर में लगाई गई है। अब वो पुलिस को आगे बढ़ के बताती हैं कि उसने, यानी कि मेरे बेटे 27 वर्षीय अतरीश ने ही आग को ही नहीं लगाया, बल्कि उसने मेरे ऊपर धारदार चाकुओं से कई बार वार किया और जिससे मैं लाहू लुहान हो गई, और जब मैं चिल्लाने लगी तो वो बाकायदा माचिस लेकर घर में उसने आग लगा दिया। अब जब पुलिस वाले इसके पीछे का कारण उस माँ से पूछते हैं, तो माँ रोकर बताती है कि दरअसल उसका बेटा अतरीश मानसिक विक्षिप्त है और इसी विक्षिप्तपन के चलते आज मैंने उसे एक बार गुस्से में पागल बोल दिया, और उसने जब वो पागल शब्द सुना तो वो इतना गुस्सा हो गया
कि उसने मेरे ऊपर चाकुओं से हमला बोल दिया और पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल माँ का 6 घंटे मेदांता में इलाज चलता है और वो जिंदगी की जंग हार जाती हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तब आप इसका ध्यान जरूर रखें कि आप बोल क्या रहे हैं और आपके बोले गए शब्दों का सामने वाले पर क्या असर होने वाला है। फिलहाल आपका पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है, आप अपने जीवन के अमूल्य पल से मात्र 1 सेकंड का टाइम निकालकर हमें अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।